अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये हमारे सर हैं और ये हमारी साक्षी मैम, हमारी सीनियर है सर जी, और वो हमारी प्रिंसिपल। आज हम यहाँ मिल रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो हमारी सीनियर से मेरी मुलाकात हो रही है जी। यहाँ शिक्षा के बारे में बहुत डिटेल्स बताइए जी, और आगे कैसे नौकरी करना है, कैसे आपको डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जी। छोटी कंपनी में काम कर रही है नोएडा में। वाओ, नोएडा में काम कर रही, कौन सी कंपनी में? ये मेरा साक्षी मैम, आप कौन सी कंपनी में काम कर रही हैं? टेक। वाओ, ये तो हमारे सीनियर हैं और साथी वो हमारी मैम है। अस्सलाम वालेकुम मैम। और ये मेरी क्लासमेट है शाइस्ता। और ये हमारा ऑफिस है, आप देख ही चुके होंगे। आज मैं कॉलेज आई थी अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। हाय गाइस, आज मैं आई थी कॉलेज अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कॉलेज में, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि जो है मैंने अपना फॉर्म कल सबमिट करवाया था, कल फिल करवाया था, और उसमें मेरा एक सब्जेक्ट का नंबर जो है वो थोड़ा मतलब गलत दिखा रहा था, गलत नहीं था, वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा था बाकी स्टूडेंट से, तो मुझे लगा शायद मेरा फॉर्म गलत हो गया है, अब मैं क्या करूँ। मतलब दो ही दिन बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म, हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना है कॉलेज की साइड से। तो मैंने यहाँ पे आके सर को दिखाया, जैसा कि आपने देखा सर ने मुझे बताया कि नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ते हैं तो इससे थोड़ा बहुत नंबर मिसमैच हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे अब मुझे थोड़ी राहत मिली, अब अच्छा लग रहा है। ये मेरा कॉलेज है और मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस दिखाना चाहती हूँ, अगर कोई क्लास में ना हुआ तो दिखा पाऊँगी। एंड टीचर, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हुआ करती थी, फर्स्ट ईयर की, और अभी ये बंद है क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं है। बाकी ये वाली क्लास मेरी बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी क्लास थी ये और बहुत मुझे मज़ा आता था यहाँ पे। और अब मेरी दूसरी क्लास उधर है, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है ऊपर से, शायद आपने ना देखा हो कभी। और यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों की। तो यहाँ पे अभी काफ़ी बच्चे वर्ड हैं, ये हमारी मैम जा रही और मेरी अटेंडेंस लगनी थी जो कि लग चुकी है। गाइस, मैंने ऑफिस में जाके अपनी पूरी जितनी भी मेरी जिस चीज़ में मुझे डाउट था मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ ग्राउंड में क्योंकि मैं लेट हो गई थी कॉलेज जाने में, तो मेरी क्लास मिस हो गई है जो हमारी ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जो हमें अटेंड करनी थी तो वो मेरी मिस हो गई। वो 9:30 क्लास थी और मैं यहाँ पे 11:00 आई हूँ, तो अब शायद मेरी कोई भी क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ ग्राउंड में। और बाकी मेरा और भी बहुत सारे काम हैं, इतने दिन में कॉलेज नहीं आई हूँ उसको लेकर थोड़ा डाउट है, वो सब मुझे क्लियर करना है। तो मैं फ्रेंड से सारे कॉलेज के डाउट और सारे स्टडी मटेरियल के डाउट क्लियर करूँगी। तो इतना मतलब ऊपर नीचे करना पड़ता है स्टेयर्स पर कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी थक गई क्योंकि अचानक से मुझे पता चल गया ना कि मेरा फॉर्म का नंबर गलत है, मतलब गलत नहीं अलग जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे सही करवाना पड़ेगा, और मुझे लगा दोबारा से फॉर्म फिल होगा, और जो साइड है वो बिल्कुल नहीं चल रही है। लाइब्रेरी की मैम है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ये मेरी लाइब्रेरी की मैम है। अब मैं उस ग्रुप में जाके अपना डाउट क्लियर करूँगी। देखो हम तो भैया कैमरे के सामने हैं, आदत है। और सब आमना लोग कहाँ चले गए? उधर ही तो थे।
अच्छा, भी हमारे छोटा सा ऑफिस है ये जमशेद सर का ऑफिस, राइट? यस नो, ये जमशेद सर का ऑफिस है। दरवाजा है एंड देन ये आ गए, और ये जमशेद सर आ गए चाय लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा क्विज कंपटीशन होने वाला है। और जमशेद सर से पूछते हैं, सर चाय कैसी है? चाय बहुत मस्त है, बिंदास बहुत अच्छी है। और आप कैसे हैं? शुक्रिया चाय लेकर आए हो इतनी दूर से केतली में। और सर आप कैसे हैं? आप कैसे? मैं हमेशा से बिंदास रहा हूं और हमेशा रहूंगा। और सुना है आपके भी पेपर आ गए हैं? मेरे पेपर तो अभी नहीं आए। सबके आ गए? सबके तो आ गए हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल करा रहे हैं अपना शायद? ये देखिए आफ्ताब भाई तूने इज्जत से क्या फिर वही बुलंद दरवाजा बोले आपको? या रेजिडेंसी? ये है असद भाई, ब्लॉग बनाने वाले जिनका मेन ब्लॉग है, तो शूट मैं कर रहा हूँ। सो गाइज माय नेम इज समीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फैशन क्रिएशन। ये कुलसुम बैठी हैं, बहुत दिनों बाद मलियाबाद से आई हैं। तीन चार दिन से आई हैं। हाँ, तो आज हमको आप मिली ना। जैन भाई चाय कैसी है? दो घोड़े की। और ये देखिए जुड़वा पार्ट टू अलवी भाई। ये हमारी कुछ राती हुई शहनवाज भाई। ये देखिए चाय चल रही है, तो हम आपको बाहर लेके जाते हैं, आइए। तो गाइस ये देखिए कैसरोल रखा है, इसी कैसरोल में सर के लिए चाय लाई गई है। और ये भाई साहब जो मैच खेल रहे हैं यही चाय लेके आए हैं। मिराज भाई क्या कहना चाहेंगे आप सभी से? क्या कहना चाहेंगे आप सभी से? अच्छा, जब मैच हो रहा है। और ये देखिए हमारे जादू भाई साहब बैठे हुए हैं कुलसुम भाई के बहन के पीछे। जादू ओ अनस, ये देखिए ये कैसरोल रखा है, इसी में चाय लाई गई है। तो अभी हम देखते हैं इसमें चाय है कि नहीं। तो चाय फिलहाल हो गई है ख़त्म। और ये है उस्मान भाई, ये है रूफी भाई, और ये हमारा कैंपस। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हैं, और ये हमारे मिराज ये आई। तो गाइस मुझे मिला एनएसएस का फॉर्म, और मुझे ये फिल करके राइट नाउ अभी सबमिट करना है। ओके, एक महीने हो गए। ओके, पीछे से हम चल लेंगे ना। तो हम आपको वापस लेके चलते हैं केमिस्ट्री लैब में, सॉरी फिजिक्स लैब में। ये जनरल लैब है बीकॉम फर्स्ट ईयर। मैं व्लॉग बना रहा है। तो चाय कैसी है? पूछ रहा बहुत घटिया छी बिंदास। यहाँ पे सर को डिस्टर्ब मत करो। तो गाइस अब ये यहाँ पे एनएसएस फॉर्म फिल हो रहा है, हमें कुछ मिला नहीं, तुमने यहाँ बाइक पे खड़े होके फिल कर रहे हैं। हाय कुलसुम। हाय। अभी कुलसुम अपना फिल कर रही, फिर वो मेरा फिल करेगी क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। आ रही हूँ। तो गाइस अब मेरा सारा काम हो चुका है यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ घर। पैदल पैदल जाऊंगी। हाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हां, माय चैनल योर चैनल। यस, तुम लोग बोलो योर चैनल। योर चैनल, ये योर चैनल, ये प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देबा। नहीं, फैशन क्रिएशन। हां देबा, फैशन क्रिएशन देबा। लवर भी तो था ना, वो तो इंस्टा की आईडी है। कट नहीं करने का, इसको डालने का। इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, मेहंदी लवर एंड जिनाया फैशन क्रिएशन भी है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के सब्सक्राइब करें फैशन क्रिएशन। तो गाइस इन लोग को ही भूत चढ़ गया है ब्लॉगिंग का। चलो गाइस मैं जा रही हूँ घर।